फ्रेंड्स, वेलकम टू वी डिज़ाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने अलग अलग तरह से लहंगा बनाना सीखा था और इनविजिबल जिप कैसे लगाते हैं वो भी सीखा था। आज की इस वीडियो में हम कैनवास जाने की पेपर पेस्ट या फिर बुकरम वाली बेल्ट बनाएंगे। ये वीडियो मैं स्पेशल अपने व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। यहाँ मैं बेल्ट लहंगे के साथ अटैच कर रही हूँ। आप सेम तरीके से बेल्ट प्लाजो पैंट स्कर्ट या फिर लहंगे के साथ अटैच कर सकते हो। ये जो लहंगा है वो 5 to 7 ईयर गर्ल के लिए है और मैं इसी लहंगे की मेजरमेंट के हिसाब से ही बेल्ट बनाऊंगी और आप अपनी ड्रेस की मेजरमेंट के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लहंगा लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है, प्लेट्स इसकी डाल ली है और जिप भी अटैच कर ली है। अगर आप जिप अटैच करने की वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कीजिए और वहीं से साथ में आपको लहंगे की प्लेट्स कैसे डालते हैं उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम वेस्ट मेजरमेंट करेंगे। हम पहले देखेंगे हमारी वेस्ट की मेजरमेंट कितनी है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 12 इंच वेस्ट है। अभी मैं एक फैब्रिक लूँगी जिसकी मैंने बेल्ट तैयार करनी है। यहाँ पे मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक ही ले रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी टोटल वेस्ट है उससे 3 से 4 इंच में फैब्रिक ज़्यादा लूँगी क्योंकि मुझे उसकी बेल्ट जो है थोड़ी बड़ी करके बनानी है। अभी मैं सेम लेंथ की कैनवास यानी कि बुकरम लूंगी और आप यहाँ पे पेपर पेस्ट भी ले सकते हो और इसकी विड्थ होगी 1.5 इंच। ये एक साइड से प्रेस के साथ हम फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे इसको। तो आपने वही बुकरम लेनी है जो कि आप फैब्रिक के साथ आराम से प्रेस के साथ चिपका सको। यहाँ पे मैंने बुकरम की विड्थ जो ली है वो है 1.5 इंच और हम कुछ फैब्रिक साथ में एक्स्ट्रा लेंगे जो कि स्टिचिंग लाइन के लिए रहेगा और कुछ अंदर को फोल्ड होगा। मैंने यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लिया है तो टोटल 1.5 प्लस 1 इंच हो गया 2.5 इंच। तो मैं टोटल 5 इंच इसकी विड्थ ले रही हूँ क्योंकि ये कैनवास के दोनों साइड पर फोल्ड होना है। नेक्स्ट स्टेप को आसान करने के लिए अब बेल्ट को आप सीधा कर लीजिए और सेंटर से फोल्ड कर लीजिए कुछ इस तरह से और अभी इसको इस तरह से प्रेस कर लीजिए। इससे आपको कैनवास अटैच करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बुकरम ऊपर वाली साइड मतलब जिस साइड फैब्रिक बंद है उस साइड आपने एजेस के ऊपर रखना है और फिर पेस्ट करना है प्रेस के साथ। प्रेस के साथ आप इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दोनों साइड से आप सिलाई लगा लोगे। यहाँ पे आपने सिलाई सिर्फ कैनवास तक ही लगानी है, आगे जो फैब्रिक है वो आपने खुला रखना है क्योंकि वहाँ पे आपने जब बेल्ट लहंगे के साथ स्टिच करनी है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपने वहाँ पे फैब्रिक को खुला रखना है। इसके बाद आपने एक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेना है, वहाँ पे आपने 1/2 इंच रख लेना है जो कि आपने लहंगे के साथ स्टिच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने काट लेना है। आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक सिर्फ उसी साइड से काटना है जिस साइड से सिर्फ प्लेन फैब्रिक है आपके पास, कैनवास वाली साइड से आपने फैब्रिक नहीं काटना। अभी हम बेल्ट को लहंगे के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए आप लहंगे को पहले सीधा कर लीजिए और इस तरह से आप बेल्ट को इसके साथ अटैच करना शुरू करें। आपने यहाँ पे बेल्ट बैक साइड से स्टार्ट करनी है अटैच करनी क्योंकि एक्स्ट्रा बेल्ट हमने फ्रंट साइड पे रखनी है और वहाँ पे हम उसके साथ हुक्स अटैच करेंगे। यहाँ पे आपने और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बेल्ट की प्लेन फैब्रिक वाली साइड जो है वो अंदर आनी चाहिए और कैनवास वाली बाहर आनी चाहिए क्योंकि कैनवास वाली जो बेल्ट है वहाँ की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है तो वो बाहर ही अच्छी लगेगी और इसी तरीके से आपने ये अटैच करनी है।
ये सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई एकदम से एजेस पे होनी चाहिए और स्टिचिंग लाइन के ऊपर ऊपर आनी चाहिए। तो ये लीजिए, हमारी लहंगे की बेल्ट लहंगे के साथ अटैच हो गई है। ये जो बची हुई एक्स्ट्रा बेल्ट को हमने इस तरह से पीछे को फोल्ड करना है। यहाँ पे हम अंदर इसके हुक्स अटैच करेंगे और सामने इसके लूप्स बनाएंगे। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी हुक्स लगा के इस तरह थोड़ा सा बेल्ट को अगर टाइट करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेल्ट लूज है तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ भी आप थोड़ी सी एक दो हुक्स लगा सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप टाइट कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पीछे इलास्टिक भी डाल सकते हो, थोड़ा सा कैनवस वाला पार्ट काट के वहाँ पे आप इलास्टिक फिट कर सकते हो। ये बेल्ट अटैच करना भी मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में कवर करूँगी कि बैक साइड पे इलास्टिक कैसे डालें। तो ये लीजिए, हमारी बेल्ट अटैच हो गई है लहंगे के साथ और मैंने हुक्स और लूप्स भी अटैच कर ली हैं। और यहाँ पे आप अपनी वेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से आगे पीछे हुक्स और लूप्स को एडजस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो। यहाँ पे आप पेंट वाली बड़ी वाली हुक्स भी अटैच कर सकते हो, लेकिन उसको आप अटैच करने के लिए वो आप जब बेल्ट लहंगे के साथ अटैच करने से पहले वहाँ पे अंदर आप उसके हुक्स पहले अटैच कर लोगे, क्योंकि वो अंदर से इनविजिबल हुक्स अटैच होती हैं। अदरवाइज आप ये ब्लाउज वाली हुक्स भी यहाँ अटैच कर सकते हो। तो लहंगे को थोड़ी और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए और फैंसी बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ फैंसी डोरी अटैच कर सकते हो और उसके साथ लटकन भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं डोरी की लेंथ देखते हुए, यहाँ पे जितनी भी मैंने डोरी लगानी है, यहाँ पे इस तरह से आप डोरी को रख के सुई के साथ यहाँ पे अटैच कर लोगे। तो ये लीजिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस कीजिए लाइक बटन। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ ही दिए गए बेल वाले आइकॉन को क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर आपको कोई कमेंट और सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।